हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के संस्कृत में से पंचम पाठ है, पांचवा पाठ कंटकेनेव कंटकम। कंटकेनेव, कंटकेनेव का मतलब होता है कांटे में से ही कंटकम, कांटा निकाला जाता है। कहने का मतलब ये है कोई समस्या होती है उस समस्या का समाधान समस्या के द्वारा ही किया जाता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह जो पाठ है यह एक लोगों द्वारा कही गई कथा है जो कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इसकी रचना कौन सी शैली में दी गई है? पंचतंत्र की शैली में। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्यय उत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। इसमें यह कहा गया है कि जब हमारे सामने कोई संकट आता है तो हमें उस संकट में बाधा में घबराना नहीं चाहिए, अपनी चतुराई दिखा करके उस संकट से बाहर निकला जा सकता है। अब हम इसमें कौन सी घटना है उस घटना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध, कोई चंचल नाम का शिकारी था। कोई जंगल था और शिकारी था, तो जंगल में कोई चंचल नाम का शिकारी जाता था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन स सव्याम जीविकाम निर्वाहयति स्म। क्या कह रहा है कि वह चंचल नाम का जो शिकारी था वह जंगल में जाता था पक्षियों को जानवरों को आदि को ग्रहण करके, ग्रहण का मतलब पकड़ करके अपने जाल में बंद करके, स्व सव्याम जीविकाम अपने जीवन का निर्वाहयति स्म, जीवन का निर्वाह करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एकदा सबने जाला विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार क्या होता है, चंचल नाम का शिकारी होता है, वह जंगल में जाता है तो वहाँ पर वह अपने जाल को फैला करके वापस घर पे आ जाता है। अन्य अस्मिन दिवसे, दूसरे ही दिन, मतलब आज आया दूसरे दिन प्रातःकाल सवेरे होते ही, यदा जैसे ही चंचल वनम गतवान, चंचल जैसे ही वन में जाता है, गतवान का मतलब होता है जाता है, तदा स दृष्टवान, तभी तदा मिस तभी स वह दृष्टवान देखता है। क्या देखता है? यतः तेन विस्तारिते, उसके द्वारा बिछाया गया जो जाल था उस जाल में दुर्भाग्यवश एक व्याघ्र बंद आसीत, एक व्याघ्र शेर बंद हो गया था। सो अचिंत्य, अब वो सोचने लगा कि भाई कल तो मैंने जाल बिछाया था, सोचा था कोई छोटे मोटे पक्षी है जानवर फंस जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो एक भयंकर व्याघ्र शेर फंस गया है। अब वो सोच रहा है व्याघ्र मा खादिष्यामि, अब वो क्या सोच रहा है कि शेर मेरे को खा जाएगा, अतएव पलायन करणीयम, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अर्थात शेर को जाल में बंधा हुआ देख करके चंचल नाम का शिकारी सोचता है कि यदि मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो ये मेरे को मार देगा, खा जाएगा, इसलिए अकेले पलायनम करने हम, इसलिए मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। व्याघ्र निवेदयत, व्याघ्र ने शेर ने निवेदन किया, जैसे ही चंचल घर जाने के लिए रवाना हुआ तो पीछे से शेर ने निवेदन किया, वो मानव अरे मनुष्य कल्याणम बहुतूते, तुम्हारा कल्याण हो।
यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वं न हनिष्यामि। शेर उससे प्रार्थना करता है कि यदि तुम मुझे मोचिष्यति छोड़ दोगे तर्हि अहं त्वं न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। शेर ने कहा भाई मेरे को छुड़ा दे तो मैं तेरे को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याघ्र जालात बहिः निस्सार्य। तो अब क्या कहता है कि तदा मिस भ, जैसे ही स व्याघ्र शेर ने, शेर जैसे ही जाल से बाहर आता है, अर्थात शिकारी क्या करता है शेर को जाल में से बाहर निकाल देता है। तो अब क्या होता है इसमें अपन देखेंगे कि तो व्याघ्र जैसे ही स व्याघ्र जालात नहीं कहता है, जैसे ही वह शिकारी शेर को जाल से बाहर निकालता है तो व्याघ्र क्लांत आसीत। अब कहता है उसको बाहर निकाल दिया तो अब शेर जाल से बाहर आएगा, तो व्याघ्र क्या कहता है कि व्याघ्र क्लांत आसीत, शेर बेचारा प्यासा होता है। सो अवदत, वह बोलता है वो मानव, अरे मानव मनुष्य, पिपासु अहम, मैं बहुत प्यासा हूँ। पिपासु का मतलब प्यासा हूँ, अहम का मतलब मैं। नद्या जल मान्य मम पिपासा समयम, कि हे मनुष्य आप नदी के किनारे जाइएगा और मेरे लिए जल भरकर लाओ जिससे कि मैं जल पीऊँगा और मेरी प्यास शांत हो जाएगी। तो व्याघ्र जल पीत्वा, तो शिकारी नदी के किनारे गया पानी लेकर आया, शेर को दिया, शेर ने पानी पिया। व्याघ्र जल पीत्वा, शेर ने जब जल पिया पानी पिया तो पुनः व्याधव म अवदत, अब वो पुनः शिकारी से कहता है समय में पिपासा, ये मानो मेरी प्यास अब समाप्त हो गई है। साम्प्रत भूभिक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, कि भाई प्यास तो तूने बुझा दी अब मेरे को भूख लगी है। तो क्या कहे साम्प्रतम, अब भूभिक्षितो अस्मि, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, कि अब तो इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो चंचल क्या कहता है, चंचल त्वाम, तो शिकारी चंचल होता है वो डर जाता है, डर के मारे वो बोलता है अहम त्वत् कृते धर्मम आचारितवान, कि तुमने, चंचल कहता है कि मैंने तुम्हें इस जाल से बाहर निकाल करके तुम्हें पानी पिलाया, तुम्हारी प्यास शांत की, तो मैंने एक धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या बढ़ती, तुम तो झूठे हो। त्वं मां खादितुम इच्छसि, और तुम मुझे खाना चाहते हो। तुमने क्या कहा था कि यदि मैं, तुम मेरे को जाल से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अब क्या होता है उसके बाद शेर क्या कहता है, फिर वो कहता है व्याघ्र, शेर कहता है अवदत, बोलता है अरे मूर्ख, सुदाताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के आगे, सुदाताय का मतलब होता है भूख, भूख के आगे किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अर्थात सभी व्यक्ति को, जिस प्रकार सभी व्यक्तियों को भूख लगती है तो भूख के आगे उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। सर्व स्वार्थ समहिते, सभी अपना स्वार्थ देखते हैं, अर्थात भूखा रहने वाला व्यक्ति कभी भी ये नहीं देखता है कि वो अच्छा कार्य कर रहा है या बुरा कार्य, अर्थात सबसे पहले उसको अपनी भूख मिटानी होती है। उसके बाद में चंचल नदी जलम अपृच्छत, तो शेर ने उसको कह दिया होगा कि जाओ किसी से पूछ के आ जाओ। तो चंचल
नदी के जल से पूछता है, नदी में जो जल रहता है उसको पूछता है। नदी जलम अवदत, नदी का जल कहता है एवमेव भवति, यह सही कह रहा है। ऐसे जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मई का मतलब मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वृक्षों को प्रक्षालयन्ति का मतलब होता है धोते हैं। तथा च मलमूत्र आदिकम विसज्य, और मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं। मतलब मैं उनको स्नान करने के लिए पानी देता हूँ, अपना सब कुछ न्योछावर कर देता हूँ, लेकिन यही लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कपड़े भी धोते हैं और मलमूत्र का त्याग भी मेरे अंदर ही करके जाते हैं। विस्तृत सर्व स्वार्थ समेते, इसलिए सभी स्वार्थी हैं, वे सभी लोग क्या है अपना स्वार्थ चाहते हैं। स्वार्थ सिद्ध होने के बाद उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों आज हमने यह पाठ पढ़ा है, आधा पाठ पढ़ा है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो अगला वीडियो है, अपन अगला जो भाग है वो अगले वीडियो में भेजेंगे।